हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव। और मैं हूँ प्रीति। आज मैं आपके साथ में एक सुपर इजी मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ, जो कि ये है इंडियन फेस्टिवल से रिलेटेड है। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें बहुत जल्दबाजी में रेडी होना होता है, बहुत अच्छे से मेकअप नहीं आता है और फेस्टिवल टाइम है तो किस तरीके से रेडी हों। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में अप टू 75% ऑफ है, और अगर मेरा 10% ऑफ का कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10%, मतलब टोटल अप टू 85% आप बोल सकते हैं ऑफ मिल सकता है आपको। तो लिंक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे फेस पर सिरम लगा रही हूँ। ये प्लम का ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। सिरम लगाने के बाद में लिप्स को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेस एंड लिप्स हमेशा मॉइस्चराइज होने चाहिए मेकअप करने से पहले। देन मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे क्वर्की की बीबी क्रीम। बहुत थोड़ी सी ली, आपने भी देखा, एकदम थोड़ी सी लेकर के अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से मैं उसे अपने फेस पर लगा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही क्विक वाला मेकअप है तो हम यहाँ पे कोई मेकअप ब्रश या स्पॉन्ज यूज़ नहीं करेंगे बेस को ब्लेंड करने के लिए। अपने हाथों से ही जैसे हम नॉर्मल बीबी क्रीम लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ एस क्यू की बीबी क्रीम लगा रही हूँ। अभी फ़िलहाल मेरी फेवरेट चल रही है, क्योंकि मौसम ऐसा है कि इतनी स्वेटिंग होती है और कोई और मेकअप बेस लगाओ तो वो स्वेटिंग के साथ निकल जाता है, लेकिन मुझे इस बीबी क्रीम की ये क्वालिटी अच्छी लगती है कि जितनी स्वेटिंग होती है फेस उतना अच्छा ग्लो करता है। दैट्स व्हाई मैंने बिल्कुल थोड़ा सा एस क्यू बीबी क्रीम लेकर के फेस पर लगा लिया। देन मैं कलरबार का ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, इससे अपने जो मैंने बीबी क्रीम लगाई उसको सेट कर रही हूँ। देन मैंने ये मेकअप रिवॉल्यूशन का पैलेट लिया है, इसमें से मैंने 3 शेड्स लेकर के बहुत ही सिंपल आई मेकअप किया। सबसे पहले मैंने ये पीची शेड लेकर के इसे अपनी जो क्रीज एरिया एज ट्रांजिशन शेड मैंने इसको यूज़ किया पीच कलर को, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड कलर मैंने लिया वो इससे थोड़ा सा डार्क था, मतलब थोड़ा सा ब्राउनिश कलर था। एंड देन लास्टली मैंने सबसे डार्क ब्राउन लेकर के, मतलब 3 तरीके के मैंने, सबसे पहले सबसे लाइट, उसके बाद उससे थोड़ा डार्क और सबसे लास्ट में सबसे डार्क कलर लेकर के बिल्कुल हल्का हल्का लगा लिया। देन मैंने लिया है एस क्यू का काजल और उसे मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पर पहले लगा रही हूँ, फिर बिल्कुल धीमे से अपनी अपर वाटर लाइन पर भी इसको मैं लगा लूँगी। और जैसे कि अभी आप देखेंगे इस तरीके से ये मैं अपर वाटर लाइन पर लगा रही हूँ। यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेकअप लुक पे मैं कोई भी लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें लाइनर लगाना नहीं आता। अक्सर लाइनर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और मैं ऑलमोस्ट 40% ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्हें लाइनर लगाना नहीं आता है, तो उनके लिए ऐसा मेकअप लुक बहुत ही अच्छा होगा। देन मैंने यहाँ पे पर्पल का मस्कारा लिया है और उससे मैं अपनी आईलैशेस को कुछ इस तरीके से कर्ल कर रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है जिसमें मैंने मस्कारा लगाया है और जिसमें मैंने नहीं लगाया है। दोनों आईज़ में मस्कारा लगाने के बाद में जो थोड़ा सा प्रोडक्ट मस्कारा जो एप्लीकेटर है उसमें बचा हुआ है, सिर्फ उससे मैं अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा सा डार्क कर ले रही हूँ। ध्यान रखें, जब भी आप मस्कारे से आईब्रो को सेट करते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेकर ना करें, जो प्रोडक्ट उसमें बचा होता है सिर्फ उससे ही करें। देन मैंने यहाँ पर कलर बार का ये कॉन्टोर और हाईलाइटिंग किट में से कॉन्टोर शेड लेकर के थोड़ा सा अपने फेस को हल्का सा कॉन्टोर कर लिया। ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। देन फेसेस का मैंने ये पीची ब्लश लिया है, इसे अपने एप्पल ऑफ चीक्स पर लगा रही हूँ। और ये आप करेंगे तो फेस बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसको कंपलसरी बोलूँगी। ब्लश लगा कर देखिए, बहुत ही हल्का लाइटली, और उसे ब्लेंड करिए, बहुत प्यारा लुक आता है और ये पीची शेड तो बहुत अच्छा है। देन मैंने जो सेम कॉन्टोर हाईलाइटिंग शेड जो पैलेट था उसमें से थोड़ा सा लेके अपने फेस को हाईलाइट कर लिया। ये ऑप्शन था, बिल्कुल ऑप्शन, मतलब अपनी एप्पल ऑफ चीक्स और अपने नोज़ वगैरह पर अगर आपको लगाना है तो लगाएं। देन लास्टली मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ एस क्यू की। लिंक शेड सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ बार बार आप लोग लिपस्टिक के बारे में ना पूछें, ठीक है। देन मेकअप को कंप्लीट करने के लिए सिंदूर लगाना बनता है, तो मैंने यहाँ पर लगाया है कलर बार का सिंदूर और एक बिंदी लगा ली। मैंने महाराष्ट्रीयन नथ पहना है क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, दैट्स वाई। और बस हो गया मेरा ये सिंपल सा जो लुक है, आपने भी देखा सिर्फ बीबी क्रीम हमने यूज़ किया है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा ये लुक क्रिएट किया है। और ये बहुत ही इजी हेयर स्टाइल मैंने कुछ इस तरीके से कर ली, बहुत रफ बनी थी, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनी थी, बिल्कुल रफली बनी थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा बड़ा मिरर नहीं था जिसमें मैं देख सकती, बट ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत ऐसा कर लिया क्योंकि मुझे जूड़ा करना था। सो यहाँ फिनिश हो रहा है मेरा ये मेकअप लुक। पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें,
और शेयर भी कर सकते हैं आप इसे, एंड अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।